तकरीबन बज रहे हैं दोपहर के 12:30, क्या 12:45, 1 बजने वाला है। और मेरे सारे काम सुबह के ख़त्म हो चुके हैं, किचन किचन के तो नहीं, लेकिन ये है कि नाश्ता और झाड़ू पोछा हो चुका, नहा के हम आ गए हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, यूट्यूबर फ्रेंड भी हैं, जिन्होंने कहा कि आप जब भी वीडियो शूट करो तो कैमरे में देखा करो, मोबाइल में नहीं। तो वही प्रैक्टिस यहाँ पर जनाब चालू है, और आप सब भी इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मेरा टॉप है जो मुझे बहुत पसंद है, तो सोचा आज इसको पहनूं। बहुत दिनों से कान खाली थे, वैसे भी आपने मुझे ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि हम कोई चीज़ जल्दी पहनते नहीं हैं, बस नाक में एक छोटी सी कील पड़ी रहती है, और वो भी हम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है कैमरे में देखना यार, बहुत मुश्किल काम है। मेरे दिमाग का दही हो गया, दिमाग घूम गया है हमारा। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी दिमाग का घूम जाना भी बहुत ही अच्छा होता है, इससे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप मेरी स्किन देख रहे होंगे कितनी ग्लो कर रही, मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है, बस नहा करके, और बाल भी गीले हैं, बस अपना जूड़ा बना लिया है, और जल्दी से खाना चढ़ा के फिर थोड़ी देर हम धूप में बैठेंगे। तो स्किन इसलिए ग्लो कर रही है, जो आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा अफराद है, हम जब भी किचन में आते हैं तो टमाटर काटते वक्त उसका जो रस होता है, या एक पीस उसमें से ले करके अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिए, इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और फिर आप खुद ही फ़र्क देखेंगे, आप कमेंट बताएंगे। तो ये तो बताया ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं किचन में जनाब। सुबह हमने सोया मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, ये दाल है अरहर की, और दाल का मुझे बहुत नशा रहता है। तो देखिए हम फिर मोबाइल में देखने लगे, तो फिर याद आया कि मुझे तो कैमरे में देखना है। यार बहुत मुश्किल काम है कैमरे में देखना। तो जब हम बैक कैमरे से बनाते थे तब इतनी मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन जब से हमने फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करना शुरू किया, कोई ना कोई जो है मसला आ ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं उनका बहुत बहुत स्पेशली वाला शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब भी वीडियो शूट करते हैं तो कैमरे में देखते हैं। तो चलिए, ये बहुत बड़ी एक खामी थी जो उन्होंने बता दी, और इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस कर करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बात ही बात में हमारी दाल जो है अरहर की वॉश हो चुकी है, और बस नमक हल्दी और मिर्च और एक टमाटर काट के इसे हमें चढ़ा देना है। तो सिंपल से दाल चावल बनाएंगे। और आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक के पैसे नहीं पड़ते हैं। तो आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं सबसे पहले, और आपके विंटर्स के दिन कैसे गुजर रहे हैं, और मूंगफली उंगफली खाई जा रही है कि नहीं खाई जा रही है, गाजर गाजर का हलवा किसने किसने खाया वो भी बताइएगा। और बस ऐसे ही जो है खाने पीने के ये दिन है यार, और खा पी के गुजार दो, और बस घर घरदारी हो पाती है, दुनियादारी नहीं हो पाती है। और एक जगह से जो है मंगनी की मिठाई आई हुई है, जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मेरा वहाँ पहुँचना नहीं हो पा रहा है, और तकरीबन आज 20-22 दिन हो गए हैं, और हमें जाना भी चाहिए था लेकिन जाना नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल कोशिश है कि जाया जाए, और एक दो दिन में अगर गए तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो दाल मेरी जो है चढ़ चुकी है, और चावल भी जो है क्या कहते हैं हमने वॉश करके चढ़ा दिया है। तो ये देखिए मेरे ढक्कन का लिड टूट गया था, और इसको मेरे भाई ने जोड़ दिया था, बना दिया था फेविक्विक से, लेकिन ये सही नहीं, और मेरा मिक्सर जार सब चीज़ ख़राब पड़ा है। तो मुझे मार्केट भी जाना है और ये सारी चीज़ें बनानी है। तो किचन के भी जो है सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद से जो है लंच हमारा तैयार हो गया था, फिर हम धूप में बैठ गए थे, और धूप में ही बैठ करके हमने खाना खाया, ये दाल आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो चलिए फिर आगे जो है हम आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, और वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। तो ऐसे कैमरा सेट कर लेते हैं और आप सबसे बातें करते हैं। तो बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बस नहाया सुबह से, नाश्ता पानी खाना, आज नाश्ता तो नहीं बनाया था, बस बड़े वाले बेटे के लिए बनाया था पोटैटो पोटैटो चीज़ पिज़्ज़ा।
तो जो रेसिपी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्द ही हम जो है आपके साथ जो है शेयर करेंगे। और कंबल में बैठे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे, और खाने में आज हमने बनाया था अरहर की दाल, चावल और रोटी, और सब्जी जो थी बेटे ने बनाया था। तो देखिए बच्चा पार्टी आ रही है, ये देखो क्या हुआ हुआ क्या डांस दिखा रहे हो, आपने बुलाया था। उस पे करो धूम धूम लका लका पे। ए वाह, तो बच्चा पार्टी जो है डांस करी। कहाँ चले सब लोग? हाँ खाना खा चुके? हाँ। राजा भाई चला गया क्या? अभी हाँ, अभी आया खाना खाने। अच्छा ठीक है। तो बस ऐसे ही जो है ठंडक में ऐसे ही काम चल रहा है, थोड़ी देर धूप में बैठो और फिर उसके बाद जो है कंबल में आ जाओ, कोई भी गुजारा नहीं। और सच्ची बता रही हूँ, कोई भी काम करने का ठंडक में जो है बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं दिल करता है। नवाज यहाँ आइए, यहाँ आइए, हमारे पास आइए, अच्छे से बैठिए। देखिए सब सब सबको अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। भैया मेरा बहुत अच्छा है ना, भैया मेरा प्यारा है, अच्छी अच्छी बातें करता है, भैया मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो नवाज है समझ लीजिए ये मेरे ही हाथ के पले हुए हैं, मेरे साथ ही रहते थे लेकिन चले गए थे हमको छोड़ के अपने नाना के घर, है ना। पापा पापा वहाँ जॉब कर रहे थे ना भैया वहाँ। अरे हुजैफी भी आ गया हमारा, ये हाय कर लीजिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, क्या बात है यार आपकी। तो मेरे भतीजे बहुत ही नॉटी हैं, बहुत ज्यादा। तो जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूबर भी, उन्होंने कहा था आप कैमरे की तरफ देखा करो, आप इधर देखोगे तो लगेगा आप कहीं और देख रहे हो, तो आप इधर देखो। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो आज मैंने ट्राइपॉड पे लगाया है और वीडियो ज्यादा हिलती हुई आपको नहीं मिलेगी, इसके बाद वाली मिलेगी। बंदर आया है? या अल्लाह, कब हम लोगों को बंदरों से नजात मिलेगी। और मेरा हुजैफी, आप कुछ पोएम वगैरह सुनाएंगे सबको? बताइए। नहीं आती है? तो रोशनी का, रोशनी की थोड़ी सी कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर। लाइट ऑफ ऑन कर दो सेकंड वाली। अरे फैन ना चलाओ भैया, मर जाएंगे ठंडक में। किनारे है, सबसे किनारे वाला ना? वो नहीं। तो देखिए अब जो है थोड़ा सा हो चुका है, तो बस आप सब बताइए। मोबाइल तो उल्टा है ना? मोबाइल उल्टा नहीं है यार, आज जो है आप सबके साथ ब्लॉग बन रहा है। तो हुजैफा जो है बहुत ज्यादा जो है खामोश रहते हैं, इनको गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत कम। और ये बच्चा सिर्फ पैसे मांगता है, ये बच्चा बहुत शरारती है। मांगते हैं आप पैसे? स्कूल भी तो नहीं जाते हैं आप? गंदी बदबू में उंगली नहीं डालते, गंदे बच्चे डालते हैं। आपको सुना दीजिए नवाज, रहीम नवाज जो है हमारे बहुत क्यूट हैं। फिर देखिए मिधरी देखने लगे, हमको इधर देखना है कैमरे में। मिस्टेक हो जा रही बार बार, खैर क्या कर सकते हैं। ये कांच है, ग्लास है, लग जाएगी हाथ में चोट। और बहुत ज्यादा ठंडक है, बहुत ज्यादा। और आप सब बताइए, आप सब यहाँ ठंडक हो रही है? तो ये तीन तिगाड़े यहाँ बैठे हुए हैं, काम बिगाड़े। क्या खाया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या खाया पहले ये बताइए, आपने क्या खाया बता दीजिए। बिरयानी। तहरी खा के बताते हो बिरयानी? भूल जाते हैं। इसने तो बिरयानी की जो है बेइज्जती कर दी है यार। बताइए बनी है, बना है, वो बनी है तहरी बनी थी। और बता रहा है कि तहरी वो बनी है तहरी, बता रहा है बिरयानी। बच्चे भाग गए आधे से ज्यादा, अब खाली हुजैफा हमारे हैं। और बताइए आपको मिर्जापुर में क्या अच्छा लगता था? मिर्जापुर में क्या अच्छा लगता था? मिर्जापुर में क्या अच्छा लगता था? स्कूल।
आज मुझे लगता है इन्हीं लोगों से बात करते हुए ब्लॉग बन जाएगा, आगे का कुछ भी हम आपके साथ जो है शेयर नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जो ड्रेस मंगाई थी व्हाइट वाली, वो हमने रिटर्न पे लगा दी है क्योंकि साइज जो है थोड़ा सा टाइट हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा फिटिंग की थी तो हम पहन नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा फिटिंग की हमसे नहीं पहनी जाती है, तो बहुत दिक्कत हो रही है यार कैमरे की तरफ देखने में। खुद को देखो, मोबाइल में तो सभी देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये बहुत जो है क्या कहते हैं, समझ लीजिए एक प्रैक्टिस का काम है हमारे लिए, प्रैक्टिस का। तो अभी भी लाइट का इश्यू है, पहले मैं थोड़ी देर इधर देखती हूँ, कैमरा इधर है। अब कुछ दिन तक मुझे ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ऐसे देखो तो लगता पता नहीं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है। तो आज जो मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं पड़ते हैं, तो कर दिया ना लाइक, तो कम से कम मुझे इतने सारे लाइक चाहिए और आपने देने हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। और इतनी यार मेहनत कर रहे हैं कि वीडियो जो है आप सबको अच्छे अच्छे दे सके, 1,00,000 लाइक। तो देखिए भाई, इस छोटे से बच्चे की बात जरूर मानिएगा। कितने लाख? 1,00,000। 100 तो यार व्यूज आते हैं, कभी 97 कभी 63, इस तरह से तो व्यूज आते हैं। 1,00,000, या अल्लाह इस बच्चे की जबान मुबारक कर दीजिए, और ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरे 1,00,000 से 1,00,000 ना है, उससे थोड़े से कम आ जाएं। और अगर 1,00,000 आ जाएंगे लाइक, तब तो जो है मेरी मेहनत बहुत पूरी तरह से स्वागत हो जाएगी। और आई होप हो सकता है कि मेरे हुजैफा की जो है जबान मुबारक हो जाए और 1,00,000 लाइक मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बच्चों की जबान जो होती है, बच्चों में तो जो है क्या कहते हैं, खुदा बसते हैं, उनकी जबान जो है बच्चों की, अल्लाह पाक बच्चों को तो हमेशा सुनते ही रहते हैं। हो सकता है कि इसने जो जबान से निकाला हो, तो अल्लाह पाक हमें इशारा करवा रहे हों कि देखिए ऐसा होने वाला है। तो 5 रुपए मिलने वाले हैं। कहां से 5 रुपए मिलना, कौन देगा 5 रुपए? राजा भाई, तो ये बच्चे बहुत शरारती। पापा कहाँ गए? पापा आते थे। नहीं, पहले बता दो, मैं पहले इधर देख के बताइए, यहाँ पर देख के बताइए, नहीं यहाँ पर देख के बताइए। 5 रुपए कौन देगा? मम्मी इनको 5 रुपए देने वाली हैं। ए, मेरे भी 5 रुपए हुए, मेरे भी 5 रुपए। इसमें शर्म की क्या बात है, 5 रुपए नहीं ले सकते? नहीं, वो नहीं जाएगा। क्यों? तो हुजैफा की क्या बहुत कंफ्यूजन है कैमरे की तरफ देखना, तो इसीलिए फ्रंट कैमरे से जो है हमें समझ में नहीं आता था, तो हम बैक कैमरे से ही अपने ब्लॉग्स डाल रहे थे। लेकिन अभी जल्दी ही मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप कैमरे की तरफ देखते हुए बात किया करिए, क्योंकि आप मोबाइल में देखते हो इधर, तो आप इधर देखेंगे तब लगेगा कि आप जो है सबको देख रहे हैं, और आप इधर देखेंगे तो लगेगा कि आप किसी और को देख रहे हैं। तो वो शायद सही कह रहे हैं, अभी जब हम एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। तो सोचा कि चलो झाड़ू, बर्तन, खाना, पानी, दाना, और कभी धूप दिखाना, कभी कुछ, तो चलो कुछ ऐसे ही बच्चों के साथ ब्लॉग बना के डाला जाए। और जो आपको मंडे वाला ब्लॉग मिला है वो थोड़ा सा जो है लंबा होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं, कभी कभी लंबे ब्लॉग्स भी यार देख लिया करो, क्योंकि कभी हम 10 मिनट का डालते हैं, कभी 11 मिनट का, कभी 15 का हो जाता है, कभी 17 मिनट का, कभी 18। तो आज जो है 22 मिनट 23 सेकंड का ब्लॉग है मेरा, वो जो कल हमने डाला है। तो और हाँ, हम आपको रेसिपी जरूर देंगे, वो पिज्जा चीज नहीं पोटैटो चीज पिज्जा की रेसिपी, यकीन मानिए हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इतनी जबरदस्त बनी थी, लजीज लाजवाब। और तकरीबन हमने 250 ग्राम आलू में बनाया था, और अगर आपके पास चीज स्लाइस होंगे तो आप जो है बस उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो रेसिपी हम आपको देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी आलू है, चीज है, सारी चीजें जो होती हैं बहुत पसंद होती हैं।
तो वो रेसिपी आपको मिलेगी। और ये वाला सूट आप देख रहे हैं, हमने आपको दिखलाया भी था अपने ब्लॉग में कि हम लखनऊ से लेकर के आए थे। तो ये मेरा जो है बहुत ही फेवरेट कलर है। और एक वक्त ऐसा होता था कि मेरे अलमीरा में सिर्फ 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 पिंक कलर के सूट हुआ करते थे, पिंक साड़ी, पिंक सूट। यहाँ तक कि हमने इमेजिन करके रखा था कि मुझे पिंक गरारा बनवाना है। तो चलिए जिंदगी रही, और कभी शॉपिंग पे गए तो इंशाल्लाह ताला पिंक गरारा भी बन ही जाएगा। और वैसे भी जो है क्या कहते हैं कि शॉपिंग करना, घूमना इतना पसंद नहीं है, और लेकिन क्या किया जा सकता है, कभी कभी कुछ घर के जरूरी काम ऐसे होते हैं कि बंदे को निकलना ही पड़ता है। वैसे तो सारे काम बच्चे कर देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम ही को करने होते हैं, तो फिर जो है हमें जाना ही पड़ता है। तो बस यही होता है कि ठंडक में तो बिल्कुल भी मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और आप सबसे बातें करते करते ठंडक कहाँ चली गई उसका तो कुछ पता ही नहीं चला। कभी कभी यूं बात करते करते और इधर हो जाती हैं आंखें इधर कहीं ऐसा ना हो बहंगा बहंगा बनाओ वीडियो। खैर आप सब जो है अपने, आप सब अपने हो, और अगर हम थोड़े से भेंगे नजर भी आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जो है इग्नोर कर दीजिएगा यार। और रुजैफा, तहरी नहीं खाई आपने, खाली मजे की थी? हाँ तो तहरी जो है, हमने तो कल शाम में मटर पुलाव बनाया था, आपने देखा ही था, उसमें उसमें हमने एक दो आलू भी डाल दिए थे, बहुत मजा आ गया था यार मटर पुलाव खा के। और कल दिन में तो तबीयत खराब हो गई थी। और हाँ देखिए इतनी सारी बातें हो गई और ख्याल ही नहीं रहा। कल जो है, कल मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, आप सबसे बताना भूल गए। कल मुझे दो वॉमिटिंग हुई, ठंडक लग गई थी। तो फिर हम तो भैया चुपचाप से कोयले जल रहे थे, हम वहां बैठे थे, फिर हमने आकर के अदरक वाली चाय बना कर पिया, और फिर अपना ब्लैंकेट लिया और चुपचाप से लेट गए। फिर जब थोड़ी तबीयत अच्छी हुई है, फिर हमने उठ करके मटर पुलाव बनाया है। तो बस बहुत सारी बातें हो गई, और कभी कभी बातें जो है आप सबसे करने में बहुत मजा आता है। और हुजैफा मेरे साथ बने रहे, और इसी तरह जैसे हुजैफा ने साथ दिया है अभी ब्लॉग बनाने के वक्त, वैसे ही आप सब भी जो है क्या कहते हैं पूरा पूरा ब्लॉग मेरा देखिएगा। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने के कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। चलिए फिर से आप बोल दीजिए, मेरी फूफू का चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शेयर करिए। इधर देखिए कैमरे में, ये है कैमरा इधर तो चलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय कर लीजिए, अल्लाह हाफिज कर लीजिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।